देखिए एक जबरदस्त है घटना भी इस गांव की दादाजी ने बताई कि तोप थी उरलाना खुर्द के रांगड़ों के पास जिसको वे चलाना चाहते थे लेकिन वे चला नहीं पाए। उसका मुंह खुद उन्हीं की तरफ हो गया गांव की तरफ, तो इसको एक अपशकुन मान के उन्होंने उस ये विचार बदल दिया और उसको छोड़कर चले गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के एक मशहूर ऐतिहासिक गांव जिसका नाम है उरलाना। और उरलाना भी दो है, एक उरलाना कलां एक उरलाना खुर्द। हम हैं इस समय फिलहाल उरलाना खुर्द में। 1947 से पहले यह मुस्लिम रांगड़ों का एक मजबूत गढ़ था, यहाँ उनकी काफ़ी पावर थी, ताकत थी, ज़मीन थी। इसी गांव के सबसे बुजुर्ग इस समय हमारे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे उस समय की कुछ आंखों देखी ऐसी दास्तान जो शायद न आपको किताबों में कहीं सुनने को पढ़ने को मिले न कभी आपको सुनने को मिले। दादाजी राम राम। राम राम। दादा कितनी उम्र होगी अपनी? मेरी 85 की हो गई। 85 की साल की उम्र है और बिल्कुल सही सुनता है, बिल्कुल सही बोलते हैं। 2035 है मेरा। 1935। तो दादा जब मारकाट हुई तो याद है उस समय की बातें? कितने साल के रहे होगे? मैं कम से कम 12 साल का होता था। अच्छा, उस समय स्कूल जाया करते? पढ़ा करते तक नहीं? नहीं जी, स्कूल पढ़ नहीं थे। मुसलमान पढ़ा करते, वो पढ़ा हुआ कौन था? मैंने तुम्हें पढ़ाओ नहीं थे। उरलाना कलां में तो दादा रंग रहा करते थे ना, मजबूत हिसाब किताब था उनका। यहाँ क्या हिसाब किताब था कुछ बताओ। बस हिसाब किताब गुलाम हुसैन रंगड़ था मुसलमान, उसकी तो दर्जी है और बाकी सब तले थे उसके। वो सब था वो बड़े उरलाने का था, छोटे उरलाने का? बड़े उरलाने का था, कला का। कला का कांग्रेसी नेता था। जो नेता भी था ना वो, तो गुलाम हुसैन। मजबूत तकड़ा था, मजबूत था, जिसने ये सिख पाथरी वाले छोड़ कर आए थे कैंप में, है ना, सुरक्षा में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा दादा, अपने गाँव में कोई मशहूर रंगड़ मुसलमान का नाम याद हो बताओ? चीगा रंगड़ रिमरदार था वो, यहाँ का। हाँ, एक रिमरंगड़ था, एक रिमा बड़े उरलाने का था वो, तो यहाँ का भी आये मकानों में थे। अच्छा, छोटे का था वो? हाँ। अच्छा, एक रिमा, चिंगा, एक मंगता भी मुसलमान था? हाँ जी। नाम ईसाई था हमारे। हाँ, एक मगना था, मगन मुसलमान है रंगड़। अच्छा। हाँ, ये तीन चार उस समय के तपे हुए नामी। हाँ, नामी जी। इनकी चले थी बहुत तकड़ी जी। इन दो खेती बाड़ी भी था बहुत थी, चोखी थी। हाँ, बहुत थी। हाँ, बहुत काफी थी। अच्छा। लंगर पशु इन दो का अच्छा था, इन सब कुछ हिसाब किताब इनका बढ़िया था। हाँ दादा, फिर इन मस्जिद क्या थी गाँव में उस टाइम, इनके टाइम पे? ये एक शिविर है, एक मस्जिद थी, एक ईदगाह थी पुराने, एक ईदगाह थी इस गांव में। आज नमाज पढ़ा करते हैं, ये नमाज पढ़ा। हाँ। कितने घर थे इनके मुसलमान के छोटे उरलाना में? मुसलमान का तो सारा गांव मुसलमान का था शायद, अंदाजन 50-100-200 घर। कितने घर होंगे? 200-250 घर थे पक्के थे इनके। हाँ। और हिंदुओं के कितने घर थे? हिंदुओं में ज्यादा होंगे 100-150 घर होंगे बस। हिंदुओं के भी 100-150 थे? हाँ। फिर अच्छा, तो चौखे आबादी थी हिंदुओं के भी छोटे उरलाना में? हाँ, उड़े तो कर चौखे थे, उड़े चौखे थे। तो फिर मंदिर वगैरह भी थे हिंदुओं के को गांव में? उड़े? हाँ। ना, कुछ नहीं था, कोई मंदिर नहीं था छोटे उरलाना में, ना बड़े में था, ना बड़े में था। हाँ। मस्जिद थी बस, मस्जिद थी। तो मंदिर क्यों नहीं थे, बन नहीं थे? होते बन भी नहीं थे, ना इतना ज्ञान था लोगों ने, ना कोई विचार था, ना उनकी रूप थे, उनका राज था उनका। इधर मेरी तरफ मुंह करके देख कर बताओ, उनका राज था? इसकी तरफ बताओ। हाँ, उसका राज था, बाकी उनकी हुकूमत थी। अच्छा। हाँ, ये गरीब हुआ थे, इनकी यहाँ तो कोई बनते थे। अच्छा दादा, अपने गांव में जैसे रंगड़ों की चलाई थी, बढ़िया हिसाब किताब मजबूत था, कभी गाय भी काटा करते थे इस गांव में? हाँ, उड़ था इनका छोटे उरलाना में। हाँ, शमशाना में बड़ा था, तड़वा था इनका पत्थर का। उरलाना खुर्द में भी था? बड़े में तो था हमने सुना, छोटे में भी था? छोटे में था, छोटा है का। अच्छा। हाँ, जंगल में होकर था पुराने। आज के हैं वहाँ? आज तो शमशान बन रहे। हाँ, सारे गाँव के। अच्छा, वो उस पर ऐतराज कभी करा तुड़वाने के लिए उसका हिंदुआ ने, अक नहीं करा? भाई मैं साफ कर दिया, और तो छुट गया, कुछ नहीं हो रहा। वो नहीं, 47 तक तो वो चला है, अक्स नहीं चला भाई, वो पहले चल दिया 47 से पहले चल दिया, फिर नहीं चलने दिया। हाँ। नहीं, फिर तो बाद में रहे नहीं ये। हाँ। अच्छा अच्छा दादा, इस गांव के मुसलमान रंगड़े कैसे गए थे यहाँ से पाकिस्तान, किस चीज में गए थे? भाई वो जैसे पैदल गए थे, आगे पता नहीं क्या में गए होंगे। पैदल गए थे? हाँ, यहाँ से पैदल नहीं गए, पैदल गाड़ियों में भी थे? गाड़ी गुड्डी तो छोड़ छाड़ गया अपनी। अच्छा। गाड़ी बल सब छोड़ गए, अरे छोड़ गए थे। हाँ। उनके फिर गाड़ी बल सामान का क्या रहता था? उनके तो रहे गोवा तोप भी थी। अच्छा, इस गांव के मुसलमान ना तो रहे? हाँ, इतना बड़ा मुंह था उसका। है। और वो उधर के चलाने लग गए,
गांव का ही मुंह फिर गया उसका। अच्छा ये छोड़ के बात देते हम इस गांव का नाम मूव हो गया उसका। हाँ। गांव की तरफ मूव हो गया। हाँ जी छोड़ के बात देते हम। फिर इस तक छोड़ के क्यों भाग गया उसको वे? भाई साल जी कोई नहीं जाता मरना साइस में तो भाई मार का मुंह फेर दिया। अच्छा दादाजी देख इंटरेस्टिंग घटना बता रहे हैं। छोटे उरलाना में मशहूर है ये बात कि छोटे उरलाना यानी उरलाना खुर्द के जो रांगड़ थे 250-300 घर थे और मजबूत उनका हिसाब किताब था। उनके पास तोप भी थी। वे किसकी तरफ मुंह करके चला रहे थे उसको? इधर मुंह करके। उधर कौन था? उधर मुसलमान थे हिंदू थे बहुत काफी उन्होंने तो उनका फिर उल्टा मुँह फिर उड़ाना मजी छोड़ के बाद जब दो पहिए काट के तो उसका थाना। तो वे मुसलमानों की तरफ क्यों चलाएंगे? ओहो या तो हिंदुओं की तरफ चला रहे थे या किसकी तरफ थे फिर? देख उनसे चलाओगे तो हम चलाएंगे। अच्छा भाई कभी हिंदू जरूर मार कर ले लिया जे कभी उधर का हिंदू हमारी तरफ ना आ जाए। हां की तरफ का कैसे हमारी तरफ आ गया। आपने खुद सुनी यह बात बड़े बुजुर्गों से कैसे तोप चलाई थी उन्होंने? सुनी हमने वो तोप भी देखी है। अच्छा कितना बड़ा मुंह था उसका तोप? वो फिर क्या हुआ था उसका? उसका फिर थाना वाले लेकर ठहरे उन्हें थाने उरलाना वाले। हाँ पुलिस लेगी। हाँ अंग्रेज थे ना अंग्रेज तो पक्ष है। हाँ फिर लेकर ठहरे गया फिर वो उसके ऊपर थाने के ऊपर चढ़ रही हुआ। अच्छा फिर हमें पता मैं कर दिया करें। तो देखिए एक जबरदस्त है घटना भी इस गांव की दादाजी ने बताई कि तोप थी उरलाना खुर्द के रांगड़ों के पास जिसको वे चलाना चाहते थे लेकिन वे चला नहीं पाए। उसका मुंह खुद उन्हीं की तरफ हो गया गांव की तरफ। तो इसको एक अपशकुन मान के उन्होंने उस ये विचार बदल दिया और उसको छोड़कर चले गए। फिर वो बाद में बहुत साल तक उरलाना कलां में जो एक पुलिस स्टेशन है बहुत पुराना अंग्रेजों के समय का वहाँ पर उसके छत पर वो रखी रही। वो ले गए वे ले गए पुलिस वाले उसको। हाँ ले गए ठहरा। अच्छा अच्छा दादा उनका रोब दोब था तो फिर हिंदुआ से व्यवहार कैसा था? अच्छा था बुरा था उनका? देखो ये दोनों बात थी। वो और भी ठीक था और जो गलत काम करता था उसके ऊपर वो रोब भी दिखाया करते। अच्छा मानता भी थे। अच्छा तो यानी के अच्छे भी थे बुरे भी थे। हाँ जो ये सरदार हैं लोग सरदार आ रहे हैं। हाँ इनसे तो और भी कुछ खड़े थे। वे कैसे थे? वो अच्छे थे। वे अच्छे थे इनसे? हाँ गरीब की बीमार या अच्छे की वो मदद भी कर दिया करते। अच्छा और फूल कभी आया इस गांव में? देखो जी उसकी नहीं सुनी। नहीं सुनी जोर फूल दुकान में कहीं नहीं सच इधर इधर मुकर का बताओ ना मैंने नहीं सुनी। अच्छा दादा ये बताओ उरलाना जो कला और खुर्द है ये कैसे टूटा था? वो यूं टूटे थे मैंने बताया अभी सुवाने में रोड़ा होया। सुवाने में? हाँ सुवाने का सुरंगड़ का। हाँ ठीक है वहाँ से फिर रोड़ा होता होता वहाँ रंगड़ी रानी का बताया यहाँ से फिर हम सारे बैठ गए मुसलमान बैठ गए हम भी चले गए हिंदू। हाँ आप भी डरते चले गए थे? डरते वो ठीक रहा कभी लड़ाई हो जाएगा। हाँ उन्हें तोप जर को चलाई काम कर में फिर गया और फिर छोड़ के बैठ गए रंगड़। हाँ ना तो ना मारे नहीं दुआ रंगड़ मारे। अच्छा अमर तो अपना ठीक ठाक गए अगर तो मरो होते थी वो ठीक ठाक। बड़ी लंबी लाइन लग गई होगी उनकी जब इतने आदमी गए लिकट के। ओहो कोई न्यू लोग कोई न्यू लोग कोई एक दिन और थोड़े गए। अच्छा अफरा तफरी में खेतों में कोई भाग कोई जरूरी गया कोई जरूरी लिकट गया ऐसे गए। अच्छा दादा जो कासुरांगड़ का क्या वो आया था लड़ाई झगड़ा कुछ उसके बारे में सुनी हो बताओ? खागड़ के बारे में कर लेते सब कैसे हुआ था बताइए थोड़ा सा। थोड़ा खागड़ का है उन्होंने मारा था। खागड़ कौन से गांव का था? गंगाना का। अच्छा मैं तो मौके पे था नहीं। हाँ मैं तो उनकी बताई कह रहा हूँ बताओ बताओ वही बताओ। गंगाना खागड़ जाटा खागड़ ने पकड़ कर वो मार दिया था। अच्छा कासुअर ने? हाँ ठीक है तो तकड़े थे गाँव में कासुअर मजबूत थे रंगड़। हाँ उन्होंने मारा। सिवाना भी ऐसे मजबूत गाँव था उरलाना जैसा मुसलमानों का? सुवाना तो है कासु। हाँ वो भी इतना ही मजबूत गाँव था क्या? हाँ सुवाना में जोर रंगड़ा था जोर था ठीक है। गंगाने में से लोकन लोकन हिंदू हिंदू ठीक है उनका खगड़ पकड़ कर मार लिया माया पीछे उन्होंने जो काम कराया। हाँ और पुलिस में दिलाने आ रहा था उसका गुस्सा इस बात का। अच्छा वहाँ से फिर खटपट चली आया खटपट फिर चल ली। हाँ फिर मारा था। हाँ। अच्छा दादा ये जो मारकाट है 1947 में ये कहाँ से शुरू हुई थी? गढ़ की गंगा चल रही थी। गढ़ की गंगा से शुरू हुई थी? हाँ भाई होंगी फिर गाँव में बढ़ गया फिर काम। वहाँ पे क्या घटना हो गई थी वहाँ पे क्या घटना गया? मुसलमान लोग कह रहे थे मारे जो जा रहे थे नहीं मेरे में। हाँ। बड़े आदमी मैंने कहा भी हिंदू की छोरी की चुच्ची काट ली मुसलमान ने। अच्छा गढ़ की गंगा के मेले में? हाँ ठीक है वहाँ से पंगा बनाया वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। हाँ युवा की लड़ाई बाजी पे नौ थी। अच्छा फिर वो कई महीने बाद होती फिर वो गम में बढ़ गई। गम में बढ़ गई। अच्छा दादा
आपने तो ये फिर उनका जो अपने गांव के रंगड़ थे उनका पहनावा कैसा था? अपने जैसा था, अलग था? बोथे बन जा करते, धोती बन जा करते, धोता यानी कि तंबा भी कहे जिन्हें, तंबा तंबा भी करा दे और धोती बन जाए, धोती अपने जैसी लंगड़ भी थी, इसी बंदर थे। तो जो बड़े आदमी थे, नंबरदार थे, रसूखदार थे, तो यहाँ से मुछ कटवा कर जोरदार ली थी उनका। अच्छा, मुसलमान जो इस गांव के थे अपने, सारे मुसलमान का लिए है। और खिंड का साफा किसा बंदा करते, टोपी ओढ़ा करते इस गांव के, साफा नहीं था, साफा कोई बिरला था नहीं, तो टोपी बन जाता, साफा कोई बिरला ही पहनता था। ठीक है दादा, वे हमारे ब्याह शादी में जाया करते थे, हम उनकी ब्याह शादी में जाया करते थे कि नहीं? नहीं दादा, हम उनके घर में खाया पिया करते थे, वे हमारे घर में खाया पिया करते थे कि नहीं? वो तो ऐसे वो कौन खावे थे, ये हिंदू जो थे गरीब, वो थे गरीब, थे गरीब हमारे गांव के, काफी काफी गरीब थे, काफी गरीब वो जाए खा करते उनका, उनका खाया करते। और उनका तो हमारे खान का मतलब है नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, और दादा जैसे मारे जैसे गांव के लोग उनके खेतों में काम करा कर थे, गरीब थे, तो मजदूरी वगैरह सब कुछ उन्होंने कभी दे दिया करते थे टाइम पे? कभी कुछ सुने आप भाई जुलम भी करा है? अच्छा, ईसा नहीं, जो मजदूरी करा करते हैं उसको साथ दिया करते, साथ दिया करते। अच्छा, तो कभी उन तो हम एक घी दूध भी ले लिया आ रहे थे, दिया रहे थे, उन दौर तो इतनी बहस होती थी, जैसे ले भी लेते थे, देते थे वे घी भी ले रहे थे, घी भी ले रहे, जैसे कुछ मांगे जाओ तो त्योहार वगैरह पे तो वे देते थे, दे दिया करते नोट मुफ्त में, मरने तो कभी मांगा नहीं है ना, मेरे बाप ने मांगा कभी है, फिर सुनिए मैंने लोग घी मिल जा करता, वे फ्री में देते थे, फल में भी दे जा करते, मोल ले जाओ के था 3 रुपये 2 रुपये शेर था घी तो। अच्छा दादा, इस गांव के जो मुसलमान थे वे अपने रिश्ते इसी गांव में करा करते शादी ब्याह, कहीं दूर करा करते, बाहर दूर करा करते, इस गांव के गांव में नहीं करते वहाँ? जैसे उनके कई की शादी भी होया करती थी, कोई आप पता हो एक का आदमी का, एक तो ज्यादा लुगाई भी थी, बहू भी थी इस गाँव में? वो तो एक तो देख के थी वहाँ। अच्छा, एक थी तो थी, भाई मर गया, उसका लड़ तोड़ा जा करता, वो तो सब में होता था, वो तो दो आ करते, अरे कोई मतलब ऐसे वरना नहीं। हाँ। अच्छा दादा, मुसलमानों में यहाँ सिर्फ रंगड़ रंगड़ थे, जैसे कुरैशी कसाई भी थे और कोई चीज भी जाती थी उनकी? कसाई भी था, मुसलमान मतलब रंगड़ भी थे, कसाई भी थे। हाँ, कसाई भी था, एक घर, एक घर था। तो उनका काम क्या था कसाई का इस गाँव में? ये काटा बड़ी जानवर काटने का। ठीक है दादा, इस गांव पे जब मारकाट हो रही थी, हालांकि मारकाट इस गांव में तो हुई नहीं, लेकिन किसी गांव ने चढ़ाई करी या चढ़ाई करने की कोशिश करी इस गांव पे? ना, नहीं ना, मारने की करी ली, छित्र पिटने करी ली, नहीं करी, ये जी बाहर के जो जिम्मेदार लोग थे वो सामान ले गए ठाक ऊपर बस। जब वे जा लिए सामान जरूर ले गए, कोई डंगर ले गया, कोई बर्द ले गया, कोई गड्डी ले गया, कोई कुछ ले, मारकाट नहीं हुई ना चढ़ाई हुई ना, तो सिवा उड़ाना नहीं टूटा इलाने वाले तो वैसे खाली करके चले। बाहर तो वो कितने मर गयो, फिर वो कोई नहीं मिला, कोई नहीं। अपने उरलाना के पास में आसपास के मैं 47 मुसलमानों के कौन कौन से गांव थे उनके नाम बताओ भाई? सफेदो, सफेदो, बहादुरपुर, बहादुरपुर, अरे बहादुरपुर नर्द पर लगा नहीं, क्या नाम है? बहादुरपुर, बहादुरपुर, ठीक है। सफेदो, सफेदो, बोली, बोली, निमनबाद है, नाम बताओ इसका क्या नाम? निमन, निमनबाद, निमनबाद है। और जी चला जा फिर आगे चला जा इसके क्या नाम लिया कर अरडाना, अरडाना, बारी, हाँ बारी, बिगाना, बिगाना, फिर आगे चला जा फिर नून मोहरा, राड़ा भी नगा, हाँ राड़ा बिलोना, सभी का मेहमान ना करते, ये फिर तो उधर हो गए करनाल के ना जुंडला जलमाना, सभी ना गए, हाँ मेहमान ना गए थे, डचर, डचर पक्का खेड़ा, सुंदर बर गोंदर है, है? और जी डर है, और बांस, बांस, बांस पे रुबर है ना, और कौन थे? माल सोना तो थे, माल सोना तो थे, और भी चल जाएगा। अच्छा, तो आसपास ये अपने एरिया के गांव ये काफी थे मुसलमान, काफी थे इधर मुसलमान, मुसलमानों का था। अच्छा, इसराना मुसलमानों का था। इस गांव पे चढ़ाई हुई, ये तोड़ा गया क्यों करो इस पे इसराने का पता हो? इसराना तोड़ा, तोड़ा कौन इसके भी नहीं, शांति चले गए, चले गए। और इसराने के आसपास और कौन से गांव थे दादा इनके? और तो गांव साथ इसराने के पास नहीं, नौलथे के में तो नहीं, डर में भी कोई नहीं, डर में नहीं थे। इसराना ही बड़ा गांव था इनका, संभली, बरास, हाँ बरास, बरास,
इधर भी मुसलमान ज्यादा थे, इधर ज्यादा था। शेखुड़ा इधर चला जाता है करनाल की तरफ है। अच्छा, करनाल में भी था, जरड़ में भी था, सलाहू में थे। इनका बोझ काफी जोर था, इन्होंने को इसका नहीं, करनाल का इन्हों को काफी जोर था। पानीपत में थे मुसलमान, पानीपत में भी बहुत थे, बहुत थे। तो मुनक में भी, मुनक में भी थे, मुनक में भी आए थे, रेर में थे, रेर कला में। हाँ जी। अच्छा, और गरुंडा में भी। हाँ, गरुंडा में थे, ये थे। जैसे एक चीज बताओ, अपने कोई जैसे हिंदुओं के त्योहार होते थे, होली दिवाली रामलीला वगैरह, ये करते थे, ये करने देते थे, होते थे 47 से पहले? रोके होने थे। ये थी हमारी एक छोटी सी मुलाकात उरलाना खुर्द के हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने बताया 1947 से जुड़ी हुई वे घटनाएं, वे बातें जो आज भी इनकी स्मृति में दर्ज है। दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पानी लाओ रे, छोड़ो भाई, भाई की वीडियो देखो और आगे भेजने की कोशिश करियो, और सारा गांव में प्रचार होना चाहिए। यह है दादाजी का संदेश राइजिंग रुद्रा टीवी के दर्शकों के लिए।